छत्तीसगढ़ का रायगढ़ जिला, वहाँ एक बैंक डकैती की घटना कल होती है। रायगढ़ शहर में पुलिस की गश्ती होगी, पेट्रोलिंग होगी, लेकिन ये घटना दिन दहाड़े होती है। ये यूको बैंक है, उसका एटीएम है, दरवाजा खुला हुआ है। ये दिन दहाड़े यहाँ कुत्ता सोया हुआ है, गार्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पर कोई भी रक्षा के जो पैरामीटर्स हैं वो फॉलो यहाँ नहीं हो रहे, कहीं भी कोई सिक्योरिटी मेजर आपको दिखा नहीं होगा। अब रात में यहाँ पर कोई भी अगर अपराध करने के लिए मंशा पाल बैठा तो ना यहाँ पर पुलिस सिक्योरिटी है, बैंकों ने अपनी सिक्योरिटी को इस तरह से ध्वस्त कर रखा हुआ। बैंक अगर इस तरह से लापरवाहियां करेंगे तो आखिरकार ये गाड़ी कमाई कोई चोर या डकैत एक दिन लेकर उड़ जाएगा। हाई सिक्योर जोन के पैरामीटर की अगर आप बात करें तो हाई सिक्योर जोन बहुत ज़्यादा पैमाने पे सुरक्षित रखने के प्लानिंग की जाती है, उसके लिए रणनीतियाँ बनाई जाती हैं। हम आपको ऐसे ही हाई सिक्योर जोन आज आपको दिखाने जा रहे हैं। उसके पहले आपको एक घटनाक्रम बता दें, जो रायगढ़ जिला है, छत्तीसगढ़ का रायगढ़ जिला, वहाँ एक बैंक डकैती की घटना कल होती है, दिन दहाड़े होती है। जैसे ही बैंक खुलता है वहाँ पर जो हथियारबंद लुटेरे हैं, डकैत हैं, वो बैंक के अंदर प्रवेश करते हैं। गार्ड उन्हें रोकने की कोशिश करता है, उसके बाद वो अपने हथियार दिखाकर पहले मैनेजर के पास जाते हैं, धारदार हथियार से मैनेजर को घायल करते हैं, वार करते हैं। उसके बाद सारे बैंक कर्मियों को गन पॉइंट पे या फिर हथियार के पॉइंट पे उनको एक जगह ले आके बंद कर दिया जाता है, और दिन दहाड़े वहाँ से लगभग, कोई बता रहा है कि 7 करोड़, कोई बता रहा है 8 करोड़, मतलब ये अमाउंट अभी फिक्स नहीं है। हालांकि रिकवरी के बाद ये जो आधिकारिक पुष्टि आएगी रायगढ़ पुलिस की ओर से वो बताई जाएगी, 7 से 8 करोड़ के बीच में, जिसमें नकद है, ऑर्नामेंट्स हैं, सोने के जो बिस्किट्स हैं वो सब वो लोग कैप्चर कर लेते हैं और उसके बाद उसको लेकर वहाँ से रवाना हो जाते हैं। और ये घटना बीच शहर, बीच इलाके में, हाई सिक्योरिटी जोन, रायगढ़ में भी एक ज़िला है और वहाँ का एक बैंक है एक्सिस बैंक, वहाँ से ये घटना होती है। और इस घटना में ताज़ी अपडेट ये है कि उस घटना में जो 4 आरोपी हैं जिन्होंने ये बैंक डकैती करने की कोशिश की थी, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना हो चुकी थी इसलिए 2-2 रेंज की पुलिस इस विषय में काम कर रही थी, बड़े बड़े अधिकारी दिनों रात इस विषय में जुट चुके थे और पूरे पुलिस महकमे को चारों तरफ सराउंड किया गया था, चारों तरफ अलर्ट जोन दे दिया गया था और बाहर आने जाने वाले रास्तों को रोकने के लिए जगह जगह नाकेबंदी, चेक पॉइंट्स ये सब लगाए गए थे। जो बिलासपुर रेंज के आईजी हैं और जो सरगुजा रेंज के आईजी हैं वो पूरे घटनाक्रम को मॉनिटर कर रहे थे। पूरे जगहों पे जो सर्विलांस सिस्टम है एक्टिव किया गया था। ये घटना होने के बाद सोचिए पुलिस इतने हद तक एक्टिव हो गई थी। और घटना के कुछ देर बाद ही, कुछ घंटों बाद ही पुलिस को एक सफलता मिलती है। बलरामपुर के पास से एक ट्रक जाती हुई पुलिस को मिलती है और वहाँ से जब उसकी तलाशी होती है तो ये जो 4 आरोपी है जो एक क्रेटा कार में सवार होकर आए थे इस घटना को अंजाम देने, डकैती को, वो उस ट्रक के अंदर बैठे हुए मिलते हैं और उनके आसपास जो बैग्स मिलते हैं उसमें जो बैंक से चोरी गया पैसा है, जो ऑर्नामेंट्स हैं, जो नगद है, जो बिस्किट्स हैं, सोने की और भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ वहाँ से रिकवर पुलिस कर लेती है। और जो छत्तीसगढ़ का रामानुजगंज इलाका है वहाँ से जो क्रेटा गाड़ी है उसको पुलिस बरामद कर लेती है। अब ये सारी रिकवरी और ये सारा घटनाक्रम बताने के बाद आपको ये लग रहा होगा कि पुलिस कितना हाई अलर्ट जोन पे है। अब आप सोचिए कि इतनी बड़ी घटना जब होती है उस वक्त पूरा रायगढ़ शहर में CCTV होंगे, रायगढ़ शहर में पुलिस की गश्ती होगी, पेट्रोलिंग होगी, लेकिन ये घटना दिन दहाड़े होती है, बैंक जब खुलता है उसी वक्त हथियारबंद लोग आते हैं। अब जाहिर सी बात है जब इतनी बड़ी घटना को कोई करना चाहता होगा तो उसके लिए सडन कोई अटैक नहीं होते, सडन अटैक की जगह में वो पूरी प्लानिंग के साथ ये सारी चीज़ें होती हैं और रैकी की जाती होगी। मैं इस वक्त जो हाई सिक्योरिटी जोन है अभी आपको दिखा रहा हूँ, इतने देर से मैं PTC कर रहा हूँ यहाँ पर, तो ये बैंक के सामने का एक ATM है। जो बैंक के गार्ड साहब हैं हमें यहाँ पर माइक में यहाँ पर ब्रीफिंग देते हुए देख चुके हैं, उसके बाद ये अपनी ड्यूटी पे आके बैठ रहे हैं। तो आगे इस विषय पे आगे आऊँगा। ये मैं आपको भिलाई का इलाका दिखा दूँ कि ये भिलाई का इलाका जो है बैंक सिक्योरिटी जोन कहलाता है। यहाँ के बैंक, बहुत सारे बैंक हैं, ATMs हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे कि जो नॉर्म्स होते हैं गार्ड्स रखने के, जो अलर्टनेस के नॉर्म्स होते हैं, वो सारे नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया जाता है। अभी अभी एक गार्ड आया हुआ है वहाँ पर, हमें माइक पे बात करते हुए उन्होंने देख लिया। ये बैंक है, अभी बैंक के अंदर कुछ काम चल रहा है, बैंक का बंद होने का समय हो गया, अंदर कुछ काम चल रहा है, लेकिन गार्ड यहाँ पर नहीं है। इसी तरह से ये पूरा बैंक लाइन है, यहाँ पर तमाम तरह के बैंक हैं, नेशनलाइज बैंक है, सारे नेशनलाइज बैंक का एक एरिना बना हुआ है यहाँ पर। ये आप इस पर देख पा रहे हैं, कैश वैन यहाँ पर खड़ी हुई है, पंजाब नेशनल बैंक का यहाँ पर ATM देख पा रहे होंगे आप यहाँ पर, जब कुछ गार्ड्स वगैरह खड़े हैं, कुछ काम चल रहा है अंदर में। ये ATM बंद हो गया क्या भैया? ATM बंद है, कुछ काम चल रहा है क्या? अच्छा, तो ये इस तरह से ये आपका पंजाब नेशनल बैंक का ATM है, वहाँ कुछ काम चल रहा है बता रहे हैं। ये आप सामने देख लीजिए, यूको बैंक है,
यूको बैंक में अभी फ़िलहाल बाहर से ये शटर लॉक किया गया, और बाहर एक गार्ड की तैनाती ज़रूर होनी चाहिए, जो हथियारबंद गार्ड है उसकी तैनाती। ये बहुत बड़े बैंक का एरिना आपको मैं दिखा रहा हूँ, हथियारबंद गार्ड की तैनाती होनी चाहिए जो सिक्योरिटी लेवल या मेजर्स को फॉलो करने के लिए या यहाँ पर सुरक्षा देने के लिए तैनात रहे। ये यूको बैंक है, उसका एटीएम है, दरवाज़ा खुला हुआ है। ये दिन दहाड़े मैं आपको टाइम बता देता हूँ, हम 4:50 दिन में ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं शाम को। ये दिन दहाड़े ये एटीएम खुला हुआ है, यहाँ कुत्ता सोया हुआ है, गार्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पर कोई भी रक्षा के जो पैरामीटर्स हैं वो फॉलो यहाँ नहीं हो रहे। इसके आगे आप देख पा रहे हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का कॉर्पोरेट लेवल का आप एटीएम देख पा रहे हैं यहाँ पर, लेकिन सब कुछ आलीशान तरीके का प्रेजेंट किया जा रहा है, लेकिन एक गार्ड की नियुक्ति यहाँ पर नहीं दिख रही है। एक गार्ड जो सुरक्षा के लिए हमेशा रहना चाहिए सेफ्टी मेजर्स को देखते हुए। ये बैंक का चैनल गेट लग गया है, अंदर बैंककर्मी काम कर रहे हैं, क्योंकि बैंक बंद होने के बाद में कुछ देर तक बैंककर्मी यहाँ पर रहते हैं, आय व्यय का लेखा जोखा और बहुत सारी वित्तीय प्रबंधन को संभालने के लिए अंदर तैनात रहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि बाहर गार्ड नहीं है। यहाँ आप इसका भी एटीएम देख लीजिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये एटीएम है, ये एटीएम का दरवाज़ा खुला हुआ है। इस एटीएम में भी कोई सुरक्षा गार्ड नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा में ये आप यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ भी कॉर्पोरेट लेवल का एटीएम आपको दिख रहा होगा, अच्छी चकाचौंध, अच्छे रंग रोगन करते हैं और अपने ग्राहकों को अच्छी सुविधाएं देने के लिए बात कहते हैं। लेकिन ये बैंक ऑफ बड़ौदा का मेन चैनल गेट है, जहाँ से लोग अभी भी आ जा रहे हैं, अभी भी यहाँ काम जारी है, लेकिन वहीं पर हम फिर आएंगे। सिक्योरिटी मेजर्स को देखें तो आप, तो यहाँ कहीं भी इस पूरे एरिया को हमने घुमाया है, कहीं भी कोई सिक्योरिटी मेजर आपको दिखा नहीं होगा, और यहाँ हम भी खोज रहे हैं कि कोई सिक्योरिटी गार्ड हमें, अब एक बैंक में तो हमें देख कर आ चुका था, लेकिन यहाँ अभी हमें किसी भी, हम ये जो रिपोर्टिंग आपको पहुँचा रहे हैं, अब 4:51 हो गया, हम लगभग यहाँ बहुत देर से ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अब तक कोई गार्ड नाम की कोई चीज़ नहीं आई है। अब आप सोचिए कि जो जनता के पैसे हैं वो किन भरोसों में जीते हैं। पुलिस प्रशासन ये कहता है कि हम बैंकों को लगातार बैठक लेकर समझाइश देते हैं कि आप अपने सेफ्टी मेजर्स के लिए ध्यान दीजिए, आप अपने एटीएम्स की सुरक्षा खुद करिए, बैंक के बाहर सशस्त्र बल के इक्विवेलेंट जो है सेफ्टी गार्ड्स होने चाहिए, उन गार्ड्स की नियुक्ति करिए। लेकिन आप अमूमन ये देख पाते होंगे कि जो सेफ्टी गार्ड के लिए जो गार्ड्स की नियुक्ति होती है वो किसी भी पैरामीटर को फॉलो नहीं करते, मतलब उसकी जो सशस्त्र बल वाली जो पैरामीटर है, आप पढ़ सकते हैं उसमें जो नियम कायदे हैं उसमें पढ़ सकते हैं, सशस्त्र बल के एक पैरामीटर होना चाहिए। ये बैंक से देखिए पैसा निकाल के जा रहे हैं, ये असुरक्षित होंगे, अभी भी यहाँ गार्ड नहीं है। तो वहाँ जो गार्ड्स हैं वो बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं, क्योंकि बैंक ये कोशिश ये करता है कि एक एजेंसी को ठेका दे देता है, जो एजेंसी इस तरह के कैश वैंस और बैंक के बाहर सिक्योरिटी गार्ड्स की डिप्लॉयमेंट का ठेका लेती है। अब ठेका लेती है, अगर वो अच्छे गार्ड्स की नियुक्ति करेगी, अच्छे क्वालिटी गार्ड्स की नियुक्ति करेगी, तो उसको पे स्केल उसको उतना देना पड़ेगा, लेकिन कोशिश ये रहती है कि वो कम में काम चल जाए। तो वो लोग चाहते हैं कि 5वीं 5वीं 10वीं 5 गार्ड इस तरह से ला कर रख लें, लेकिन उतना भी तो नहीं होता। ये यहाँ पर हमने पूरा एरिना आपको घुमा दिया, वहाँ चारों तरफ हमने आपको दिखा दिया, कोई गार्ड या कोई सेफ्टी नाम की चीज़ नहीं। अब आप सोचिए कि दिन में ये हालात हैं, रात में क्या स्थिति होती होगी। अब रात में यहाँ पर कोई भी अगर अपराध करने के लिए मंशा पाल बैठा तो ना यहाँ पर पुलिस सिक्योरिटी है, बैंकों ने अपनी सिक्योरिटी को इस तरह से ध्वस्त कर रखा हुआ। और इसके ऐसे नहीं, इसके कई प्रमाण मिले हैं, जब बैंकों के एटीएम को लूटा गया है, बैंकों के एटीएम को गैस कटर से काटा गया, हाल ही की घटना है जो दुर्ग ज़िले में हुई थी, जहाँ पर मेवात का एक गैंग ऑपरेट किया हुआ था, जिसमें 4 अपराधी जो हैं वो मेवात से आए हुए थे, उन्होंने ज़िला अस्पताल दुर्ग से सिलेंडर चोरी किया, और वहाँ से चोरी करने के बाद आदर्श नगर का एक एटीएम और हुड़को का 2 एटीएम वो लोग रात के 2 काट देते हैं और लगभग 1,40,00,000 रुपये वहाँ से लेकर उड़ जाते हैं। ये घटना लगभग 1 से 1.5 महीने के बाद पुलिस ट्रेस कर पाती है, उसके बाद मेवात से जो गैंग पकड़ा है, और पकड़ाने के बाद आपको जो रिकवरी हुई है सुन के आश्चर्य होगा कि 1,40,00,000 की रिकवरी में पुलिस अब तक मात्र 3 लाख रुपए रिकवर कर पाई है। तो ये सारी चीज़ें, इन सारी व्यवस्थाओं को, इन सारी चीज़ों को सोचने समझने के लिए आवश्यकता है, बैंकों को सोचना होगा। दरअसल जनता की कमाई को बैंक एक सिक्योर जोन देने की बात कहते हैं, और बैंक अगर इस तरह से लापरवाहियाँ करेंगे तो आखिरकार ये गाड़ी कमाई कोई चोर या डकैत एक दिन लेकर उड़ जाएगा, उसके बाद पुलिस के मत्थे बातें आएंगी, पुलिस उन्हें खोजेगी, उसके बाद जो रिकवरी होगी, रिकवरी आपके सामने है, कैसी रिकवरियाँ होती हैं और कैसे कैसी तकलीफ़ों का सामना होता है। तो हालांकि इन छोटी छोटी मेजर्स को अगर फॉलो कर लिया जाए तो इन सारे चीज़ों से एक अलर्ट मोड लाया जा सकता है,
लेकिन शायद वो आएगा नहीं कभी। ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर कई बार चीज़ें हम भी उठाते हैं, पुलिस प्रशासन का दबाव भी होता है, लेकिन बैंकों की डकैतियाँ, ATM चोरी की घटनाएँ, ये सारी घटनाएँ अब कॉमन सी हो चुकी हैं। अब मैं आपको दिन का नज़ारा दिखा रहा हूँ, कोशिश हम करेंगे किसी दिन खबर बनाने के लिए हम निकले और रात के अगर इन चीज़ों के विषय में अगर हमको कोई लैकिंग दिखती है, कुछ छूटता है, कुछ गलतियां दिखती हैं, तो हम कोशिश ये करेंगे कि एक दिन हम आपको नाइट रिपोर्टिंग भी दिखाएंगे और उसमें कोशिश करेंगे कि पुलिस की और वित्तीय प्रबंधन को संभालने वाले इन बैंकों की जवाबदारी आखिर किस पाताल में चली गई है। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें KP News को और बेल आइकन को दबाएं।